हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ब्रजेश दादरिया हूँ। आई एम अ नी एंड शोल्डर स्पेशलिस्ट। मेरा मेन फील्ड है आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी। आई एम अ कंसल्टेंट हेयर एट आदित्य हॉस्पिटल। आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे या कुछ ऐसे जो हमारे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, उसका उद्देश्य है कि हमारे सारे पेशेंट्स जिनको हम ऑपरेट करते हैं, जो नियमित रूप से या तो क्लिनिक में या फिजियोथेरेपी सेंटर में नहीं जा सकते हैं, तो हम कुछ एक्सरसाइजेस वीडियोस के माध्यम से उनको ये जानकारी पहुंचाएंगे कि घर में ही रह के वो कैसे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कैसे वो सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो उनके लिए ऑपरेशन के बाद ज़रूरी है, जिससे कि हम अपने ऑपरेशन का और सर्जरी के बाद के रिजल्ट्स को 100% पा सकें। सो ये सारी वीडियोस, एक्सरसाइज वीडियोस या उसके अलावा की जो जानकारी है कि ऑपरेशन के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसको आप आराम से अपने घर पर बहुत अच्छे से देखिए और स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करिए। ज़रूरी नहीं है कि ये सभी चीज़ें हर पेशेंट के लिए एक जैसी लागू हो। कुछ चीज़ें किसी पर्टिकुलर पेशेंट्स के लिए लागू होती हैं और हो सकता है किसी दूसरे के लिए वो चीज़ें सही ना हो। तो आप हमसे कंसल्ट करके आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं वो आप हमसे गाइडेंस लेके हमारी वेबसाइट से उन सारी एक्सरसाइजेस को देखिए, सीखिए और करें। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और हम उम्मीद करेंगे कि ये हमारे सर्जिकल आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो से आपको कुछ वो एक्सरसाइजेस बता रहे हैं जो उन लोगों को जिनको घुटने में अक्सर दर्द रहता है, जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या ऑस्टियोआर्थराइटिस या किसी भी प्रकार के नी के पेन से जो पीड़ित हैं, उनके लिए ये बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल होंगी। सबसे पहले एक्सरसाइजेज है जिसे हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग। ये एक्सरसाइज लगभग वो सभी पेशेंट जिनको किसी भी प्रकार की नी की समस्या है वो कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको सबसे पहले अपने घुटने को टाइट करना है, पूरा टाइट करना है, धीरे धीरे करके पंजे को ऊपर खींचना है और कोशिश करने कि इतना टाइट करें और पंजे को ऐसा खींचें कि एड़ी हल्की सी ऊपर उठ जाए। जब आपने इतना टाइट कर लिया, इसके बाद लगभग 10 तक आप अपने मन में काउंट करिए, तो 10 सेकंड तक आप उसको होल्ड करके रखेंगे, टाइट करिए 10 सेकंड तक आप इसको होल्ड करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 सेकंड के बाद धीरे धीरे करके आप इसको बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। ढीला छोड़ने के बाद करीबन 2 से 3 सेकंड के बाद आप दोबारा यही एक्सरसाइज दोहराइए। घुटने को पूरा टाइट करें, इस मांसपेशी को पूरा आपको ऊपर खींचना है, ये पूरा कड़ा होना चाहिए। पंजा आपका ऊपर खींच जाएगा, इतना ऊपर खींचे कि एड़ी हल्की सी उठ जाए। अगेन इसको हम करीबन 8 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे और इसको ढीला छोड़ देंगे। ये एक्सरसाइज को आप आराम से एक बार में 20 बार, मतलब 20 रिपीटिशंस का एक सेट, ऐसे करके 2 से 3 सेट सुबह, दोपहर, शाम करेंगे। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स जो होती है, जिसे हम क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, इसको मजबूत करेगी। क्वाड्रिसेप्स मसल हमारे घुटने को सबसे ज़्यादा सपोर्ट देती है और लगभग सभी प्रकार के नी के पेंस में, हर नी की सर्जरी के बाद ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। तो दिस इज द आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज, ये आपको करना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, इस आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग के बाद कुछ और एक्सरसाइजेज हैं जो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होंगी, जो हम हर एक सर्जरी, जैसे कि हम लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, या वो पेशेंट्स जिनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है या जिनकी सर्जरी नहीं हुई है बट फिर भी दर्द से पीड़ित हैं, उनको ये करने की सलाह देते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लेग रेजिंग। इसमें आप घुटने को टाइट करेंगे, पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे और पैर को धीरे धीरे करके करीबन 60 डिग्री के आसपास तक उठाएंगे। तो जब आप टाइट करके घुटने को उठाएंगे और करीबन 60 डिग्री तक आ जाएगा, इसको आप करीबन 5 से 7 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। आप अपने मन में 5 से 7 तक की गिनती गिन सकते हैं। उसके बाद क्रमशः धीरे धीरे करके आप इसको नीचे लेके आइए, नीचे आ जाएगा, करीबन 2 से 3 सेकंड का ब्रेक दीजिए, मांसपेशी रिलैक्स हो जाए। अगेन आप घुटने को टाइट करेंगे पूरा, पंजे को ऊपर खींचेंगे और क्रमशः पैर को 60 डिग्री तक धीरे धीरे करके ऊपर लेके जाएंगे। इसको बहुत जल्दबाजी में, हड़बड़ी में नहीं करना है। अगेन जब 5 से 7 सेकंड रोकेंगे, क्रमशः
धीरे धीरे करके नीचे लेके आइए। नीचे आने के बाद पैर को रिलैक्स करिए। इस एक्सरसाइज को हमें 10-10 बार करके, मतलब एक बार में एक सेट में 10 एक्सरसाइजेस करना है, फिर थोड़ा सा ब्रेक देना है और फिर 10 एक्सरसाइज का सेट। ऐसे करके 2 से 3 सेट हमें दिन में कम से कम 2 या 3 बार रिपीट करने। अगली एक्सरसाइज है जिसे हम बोलते हैं साइड रेजेस। तो इसमें आपको एक करवट लेना है, जिस पैर में आपको परेशानी है उस पैर को ऊपर रखेंगे, पैर को धीरे धीरे करके टाइट करके हल्का सा ऊपर लेके आएंगे। अगेन 50-60 डिग्री तक आपको पैर को रेज करके रखना है, 4 से 5 सेकेंड, या जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप इसको होल्ड करके रखेंगे और फिर से धीरे धीरे करके क्रमशः आप नीचे लेके आइए। नीचे आएंगे, 2 से 3 सेकेंड के लिए पैर को रिलैक्स रखना है, फिर दोबारा पैर को टाइट करके ऊपर उठाना है। अगर आपको टाइट करके उठाने में परेशानी है, हम पैर को रिलैक्स करके उठा सकते हैं, पर पैर को उठाना है। ये बेसिकली आपके हिप के अबडक्टर्स के लिए, जो घुटने का सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे करके पैर को नीचे लेके आइए। इस एक्सरसाइज को भी आपको एक बार में 10 करना है, मीन्स 10 एक्सरसाइजेस का एक सेट रहेगा। ऐसे करके 2 से 3 सेट दिन में 2 बार, या कोशिश करें 3 बार करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें आप पेट के बल लेटेंगे। पेट के बल लेट के घुटने को आप टाइट करेंगे, पूरे पैर को घुटने को सीधा रखते हुए आपको ऊपर उठाना है, जितना जा सकता है 20-30 डिग्री वहाँ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे, 2 से 3 सेकंड तक होल्ड करेंगे और फिर से धीरे धीरे करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद 2 से 3 सेकंड के लिए घुटने को रिलैक्स करेंगे और 3 सेकंड के बाद फिर से घुटने को टाइट करके पैर को जितना आप आसानी से बिना घुटने में दर्द आए ऊपर लेके जा सकते हैं लेके जाएंगे और फिर क्रमशः नीचे आएंगे। इस एक्सरसाइज को भी एक बार में 10, मतलब 10 एक्सरसाइज का एक सेट, ऐसे 2 से 3 सेट दिन में 3 से 4 बार करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, पैर को धीरे धीरे करके मोड़िए, पीछे उल्टे लेट करिए, घुटने को धीरे धीरे करके ऊपर मोड़ना है करीबन 90 डिग्री, मतलब जब पैर आपका घुटना बिल्कुल लगभग सीधा स्ट्रेट हो जाएगा, इस लेवल पे आके 3 से 4 सेकंड के लिए रोकना। ये आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स को काफ़ी मजबूत करेगी, खासकर से एंटीरियर क्रूशेट लिगामेंट सर्जरी के बाद, या जिनको ACL की डिफिशेंसी है या जिनको सामान्य स्थिति में नी पेन होता है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे करके पैर को आप सीधा करेंगे, नीचे लेके जाइए। इस पूरी प्रोसेस में करीबन एक सेट करने में आपको 8 से 10 सेकंड लगेंगे, 2 से 3 सेकंड रिलैक्स करने का, फिर से पैर को मोड़िए। अगेन हम पैर को मोड़ेंगे 90 डिग्री तक, मतलब जब तक आपका ये पैर पूरा सीधा नहीं हो जाता, इस स्थिति में आके 3 से 4 सेकंड 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे और फिर से पैर को वापस न्यूट्रल नॉर्मल स्थिति तक लेके जाएंगे। सो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं। पहले हमने एक आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सीखी, उसके बाद स्ट्रेट लेग रेजिंग, साइड लेग रेजिंग, फिर पलट के पेट के बल लेट के पैर को सीधा उठाना और फिर पैर को मोड़ना। ये सब एक्सरसाइजेस हमें सही तरीके से आप अपने घर पर करेंगे, इसके लिए किसी भी असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं रहती है। एक बार दो बार ये वीडियोस देख के आप सीख के नियमित रूप से 2 बार या 3 बार अपने घर पर करेंगे। कितनी बार करना है ये एक्सरसाइज, कब, खासकर से ऑपरेशन के बाद इनकी टाइमिंग के लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कि कौन सी एक्सरसाइज कितने समय के बाद चालू करनी है, वो सलाह लेके आप घर पर करें और बहुत आसानी से इनको करेंगे।